Asalaamu As Alaikum, students. I am your course instructor from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, Miss Anika Saidzia. And uh, I am your course instructor of the subject major course in painting thesis. And your course code is -E FINE4125.

चूज करेंगे उसके अंदर जो है हम जो ज़्यादा आपका बेहतर टॉपिक होगा जिसमें ज़्यादा स्कोप uh, होगा रिसर्च uh, का उसको हम प्रेफ़र करेंगे द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड द कंसेपचुअल फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस ऑफ द मेजर थीसिस वर्क एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम आप जितना भी थीसिस प्रोड्यूस करेंगे अंडर दैट स्पेसिफिक आइडिया तो आप उसके लिए आपका जितना भी प्रोसेस वर्क होगा जितना भी बिफोर द एक्चुअल आर्ट वर्क आपने जितना काम किया होगा उसकी प्रोडक्शन से पहले वो जो सारा प्रोसेस uh, होगा आपका वो आप शेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ जूरी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक वर्किंग फॉर्मेट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग प्लानिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ द थीसिस एक्जीबिशन ऑब्वियसली आपको साथ साथ जो है सुपरवाइजर uh, की तरफ से गाइडलाइंस मिलेंगी दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर थीसिस अकॉर्डिंग टू द गि टाइम फ्रेम वर्क एंड हाओ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर आइडिया इन द गि नंबर ऑफ पेंटिंग्स और आप किस तरह से जो है एक्जिबिशन के लिए उसको प्रपेयर करेंगे और अपनी जूरी के लिए प्रपेयर करेंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेमस पाकिस्तानी पेंटर्स एंड देयर आर्ट वर्क एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर सेवनटीन दीज आर्टिस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर पाइन ईयर्स बहुत से आर्टिस्ट में ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट वर्क जो है फाइन आर्ट सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस करवाया था आप कह सकते हैं कॉलेज में पार्टिशन के बाद सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उनके जो आर्ट वर्कस हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो फेमस आर्टिस्ट हैं Uh, this is a very famous painting. Uh Zuhour ul artist here. and uh, the title of the painting is "Farman 1. Zahorulhak. ul, -ul uh, was born in 1941 and he died in uh, 1999, and he was a pioneering artist from Pakistan. He is known for his approach to painting, sculpture, design, and architecture. सो पायनियरिंग मीन्स जो बहुत अर्ली आर्टिस्ट थे जो स्टार्टिंग के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फाउंडेशन रखी है फ़ाइन uh, आर्ट्स की uh, आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे सो so, वो हमारे पायनियर्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे गार्डन ईस्ट बाय ए आर नगोरी प्रोफेसर अब्दुल रहीम नगोरी वॉज़ बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी नाइन एंड ही डाइड इन टू थाउजेंड अलेवन एंड ही वॉज़ अ पाकिस्तानी पेंटर नोन for his social political themes, and he was ऑनर्ड with President's Pride of Performance Award, announced on फोर्टीन August टू थाउजेंड टेन अब जैसे कि आप स्टाइल देख सकते हैं तो इनका थोड़ा एबस्ट्रेक्ट uh, uh, हमें आर्ट फॉर्म नज़र आ रही है और यूज़ ऑफ़ कलर्स हमें नज़र आ, आ रहा है इसमें प्लेन हमें नज़र आ रहे हैं और टेक्सचर दर इज लॉट ऑफ टेक्सचर सो हर आर्टिस्ट जो है उनका एक अपना इंडिविजल स्टाइल है कोई आर्टिस्ट जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल को जो है फॉलो कर रहा है कोई क्यूबिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड है और कोई आर्टिस्ट है जो इम्प्रेशनिज़्म को फॉलो कर रहे हैं तो ये डिफरेंट वेरिएशन आपको स्टाइल्स में नज़र आएंगी और ऑल्सो इवन इन द सब्जेक्ट मैटर जुबैदा आगा जुबैद आगा वॉज अ फीमेल आर्टिस्ट एंड शी वॉज वेरी फ़ेमस एंड अमंग द फर्स्ट पाकिस्तानी मॉडर्न आर्टिस्ट सो मॉडर्न आर्टिस्ट मीन्स कि वो मॉडर्न आर्ट जो मूवमेंट है जो उसके आ, कुछ स्पेसिफ़िक फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस आर्ट मूवमेंट के तो वो उसको उन्होंने अपने स्टाइल में अडोप्ट किया है मॉडर्न आर्ट में हमें पता है कि मॉडर्न आर्ट में आर्टिस्ट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी और आ, आ, कलर्स के साथ ज़्यादा बात की थी विजुअल्स पे uh, जो आर्टिस्ट थे वो कलर्स uh, के साथ और लाइन्स uh, के साथ जो है और शेप्स के साथ जो है वो बात कर रहे थे सो द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज़ ब्लू वॉस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन नाइनटीन फोर्टी सेवन शी वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू होल्ड एन एक्जिबिशन ऑफ हर पेंटिंग्स सो शी शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट बिकॉज आफ्टर दर्टिशन Uh, जब पार्टीशन हुई है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की तो हमें सबसे पहले जो एक फीमेल आर्टिस्ट जो सामने नज़र आती हैं जिन्होंने अपनी सोलो uh, एग्जिबिशन uh, की थी विच वॉज अ वेरी बिग स्टेप एट दैट टाइम तो उसकी वजह से उनको जो है इतना उनको इम्पोर्टेंस uh, जो है मिली है uh, पाकिस्तान की जो है आर्ट uh, हिस्ट्री में भी और डेट्स uh, वाई Uh, उनको जो है इतना uh, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसको भी इतना अप्रिशिएट किया गया दैट्स वाई उसकी इतनी वर्थ है शी हेल्प्ड ब्रिंग द मॉडर्न ईडियम टू पाकिस्तान सो इस लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंट है कि वो जो मॉडर्न आर्टिस्ट जो मॉडर्न आर्ट मूवमेंट है उस स्टाइल को भी स्पेशली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान के अंदर बिकॉज एट दैट टाइम फाइन आर्ट्स एंड टू डू आर्ट वॉज नॉट अप्रिशिएटेबल बाय द पीपल आर्ट वर्क करना उस टाइम पे पेंटिंग्स प्रोड्यूस करना uh, इतना जो था वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था उस चीज़ को बिकॉज समटाइम्स आपको जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस थी एट दैट टाइम पेंटिंग्स को लेके या इमेजरी आप कह सकते हैं बिकॉज uh, जो हमें फिगर्स uh, हैं या जो पोट्रेट्स हैं उनको जो है वो ज़रा प्रोहिबिटेड था कि आप उसको अपनी पेंटिंग में जो है वो पेंट करें वुमन एंड पिजन बाय जमील नक्श जमील नक्श वॉज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी नाइन एंड डाइड इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ही वॉज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी पेंटर हु लिव्ड आर रिक्लूसिव लाइफ इन लंडन फ्राम टू थाउजेंड ट्वेल्व अंटिल हिज डेथ हिज़ वर्क हेज़ बिन डिस्क्राइबड एज आइडियलाइज्ड एंड सेंसुल सो जमील लक्ष्य जो हैं आर्टिस्ट उनके आर्ट वर्कस में हमें इनकी पेंटिंग्स में हमें मोस्टली ज़्यादातर रेड्स एंड ब्ल्यूज और ऑरेंज uh, ज़्यादा हमें वाम कलर्स नजर आते हैं uh, ऐसा नहीं है कि जस्ट वार्म कलर्स हैं ही हैज़ पेंटिड हिज पेंटिंग्स बोथ इन वार्म एंड कूल कलर्स बट स्पेशली जो उनका सब्जेक्ट मैटर था वो फ़ीमेल फॉर्म्स थी फ़ीमेल फिगर्स थी इन डिफरेंट पोस्चर्स और जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग इनका है वो थोड़ा सा क्यूबिज़म से हम कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है और क्यूबिज़म में जिस तरह से हमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स नज़र आते हैं और डिफरेंट लाइंस और शेप्स हमें नज़र आती हैं तो वो चीज़ें हमें इनके जो है एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं इनकी पेंटिंग में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिंबल आप कह लेंगे एक एलिमेंट जो पेंट करते थे अलॉन्ग साइड द फिगर्स फीमेल फिगर्स तो वो एक पिजन जो है हमें बर्ड वो इनकी कॉम्पोजिशन्स में बहुत नज़र आता है और कुछ काफ़ी पेंटिंग्स उन्होंने फीमेल फ़िगर्स के साथ भी की हैं जहाँ पे पिजन भी हमें नज़र आता है और कुछ इंडिविजुअल पेंटिंग्स हैं जिसमें पिजन् की पिजन्स की फॉर्मेशंस हैं और कॉम्पोजिशन हैं जो हमें नज़र आती हैं there is another artist mansoor rahi uh, he was born in malda in 1939 and he's a famous pakistani artist born in west bengal and mansoor rahi is the leading abstractionist painter of pakistan and his teaching and influence have led to the emergence of a larger number of prominent artists than any other teacher artist सो जो मंसूर राही आर्टिस्ट हैं ही वॉज नॉट ओनली वर्किंग एज अ प्रोफेशनल विजुअल प्रैक्टिशनर और आर्टिस्ट बट ही वॉज ऑल्सो टीचिंग दब्जेक्ट ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिफरेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और उनका जो हमें यहाँ स्टाइल नज़र आता है ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द एबस्ट्रैक्ट आर्ट क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हमें हमें सिम्प्लीफाइड फॉर्म्स नज़र आती हैं कलर सिंप्लीफाइड सिम्प्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ कलर्स नज़र आता है सिम्प्लीफाइड यूज़ ऑफ लाइंस एंड एक स्पेसिफिक हमें uh, आप कह सकते हैं कि लाइट एंड डार्क का जो कंट्रास्ट है वो भी हमें नज़र आता है सो so, इमेजेस भी काफ़ी जो हैं वो सिम्प्लीफाइड uh, नज़र आते हैं इन एबस्ट्रैक्ट स्टाइल तो इनकी पेंटिंग्स जो थी वो स्टाइल से इंस्पायर्ड थी ग्रुप ऑफ़ फिगर्स इन रेड दिस इज़ अ वेरी फेमस पेंटिंग बाय साद कैन ही इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर्स एंड कैलीग्राफर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड साद कैन वॉज वाइडली प्रेज्ड फॉर हिज कैलीग्राफिक स्टाइल सात कैन जो थे हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में पहले आर्टिस्ट थे पहले पेंटर थे जिन्होंने कैलीग्राफी को और जो एक पेंटिंग है यहाँ आप कह सकते हैं कि कैलीग्राफ़ी और जो विजुअल्स हैं जो इमेजेस हैं उनको कंबाइन किया था एक पेंटरली स्टाइल में जैसे हम पेंटिंग को अप्लाई करते हैं पेंटिंग को हम विजुअल फॉर्म में जो है वो लेके आते हैं उसी तरह से उन्होंने कैलीग्राफ़ी को पेंटिंग के साथ अमेल्गमेट किया था उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया था क्योंकि इनकी कुछ पेंटिंग्स में हमें फॉर्म्स जो हैं या फिगर्स जो हैं वो समटाइम्स अल्फ़ाबेट्स की तरह लगते हैं या समटाइम्स अल्फ़ाबेट्स और शेप्स जो हैं उनको फीमेल या मेल्स के लिम्स uh, के लिए यूज़ किया गया आर्म्स और फुट जो हैं वो हमें शार्प एजेस नज़र आते हैं और उनका भी एक स्पेसिफ़िक पर्पस है और बड़ी कैक्टिस कैक्टस लाइक -like जो है हमें क्वालिटी नज़र आती है इनके सारे काम में ओवरऑल और ये पॉइंटेड और शार्पनेस और ये यूज़ ऑफ वार्म कलर्स ये एक ख़ास टाइम पीरियड की जो पेन है जो ट्रबल है उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो साथ के इनकी लाइफ से रेलेवेंट uh, है लैंडस्केप लैंडस्केप बाय बशीर मिर्जा ही वॉज़ अ वेरी फेमस लैंडस्केप पेंटर and he never stayed for long with one theme or style, fluctuating between realistic, abstract and non-objective styles. so uh, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने uh, more than one style जो हैं उनको explore किया है क्योंकि उसमें हमें रियलिस्टिक uh, भी उनका काम नजर आता है एबस्ट्रैक्ट जो है जैसा कि ये है काम ऑलरेडी आपके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नज़र आती है और नॉन ऑब्जेक्टिव स्टाइल भी नज़र आता है द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट ओपन एन आर्ट गैलरी इन कराची And बशीर Mirza is no less than an icon in Pakistani art history. So, ये जितने भी आर्टिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल ऑफ़ देम आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पेंटिंग सो इन सब का अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन है एट दैट टाइम पीरियड स्पेशली जो पार्टीशन uh, के बाद के जो आर्टिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है